क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्री। देखिए गार्डन है उसमें 60% ट्री क्या है, कोकोनट के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्री आर द मैंगो ट्री। अच्छा इसी का 25% क्या है, मैंगो ट्री है, क्या है, मैंगो ट्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्री। अब इसका भी 20% क्या है, मैंगो ट्रीज का एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज वार 1500, एप्पल ट्रीज का नंबर कितना है 1500, मतलब 20% की वैल्यू दी है अपन को कितनी, 1500, ठीक है। 20% की तो अपन को क्या बताना है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, तो टोटल ट्री गार्डन में कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं अपन, 20% की वैल्यू दी है अपन को कितनी 1500, यहाँ से एक जीरो कट गई, और ये कट गया कितने टाइम, ये कट गया 75 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ गई 7500, ठीक है। अब अपन को पता है क्या, 100% में से 25% किसके हैं, 25% ये इसके ऊपर वाला, ये 100% का मतलब क्या है, 25%, ये 100% का मतलब क्या है, 25%, क्योंकि देखिए 20% एप्पल के हैं और बाकी 80% किसी और चीज़ के हैं, किसी और चीज़ के हैं, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। टोटल मिला के 100% और वो किसके बराबर है, 25% के बराबर, 25% की वैल्यू आ गई अपने पास 75%। यहाँ से फिर निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, 25 3 300, और यहाँ से अगर 100% की निकालें, 100% का मतलब क्या, 30,000। तो अब 30,000 किसके बराबर आ गया, ये 30,000 आ गया 60% के बराबर, 30,000 आ गया अपने पास 60% के बराबर। अब 60% की वैल्यू अगर ये है, एक जीरो से जीरो कट गई, ये कट गया 6 से 6 5 से 30 कितना आ गया 500, ठीक है। 500 आ गई 1% की, 1% की वैल्यू आ गई 500, और अगर 100% की निकालें तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, दो जीरो और बढ़ा दो इसमें, तो क्या आ गया 50,000। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन कितने, 50,000 हैं, ठीक है।